गाइस दिस विशु सोलंकी एंड यू आर वाचिंग स्टेप अप मैथ्स। सो ये है हमारी लेक्चर सीरीज 2 स्टैंडर्ड 12 की फर्स्ट चैप्टर की रिलेशन एंड फंक्शंस। सो पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सरसाइज 1.1 उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखे थे और पूरी की पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी। ये सब कंटेंट हमने एक ही वीडियो में कवर किया था। सो नाउ अब ये वीडियो में सेकंड वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शंस है वो सारे के सारे फंक्शंस के टाइप्स हम देखेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करेंगे। सो बने रहिए। क्या है यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शंस? देखो फंक्शंस को अलग अलग तरीके से ग्रुप किया जाता है। अब हम वो फंक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, वो सब फंक्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शंस को ग्रुप किया गया है एज पर मैपिंग। ओके, तो मैपिंग क्या है? मैपिंग मीन्स हाउ डोमेन ऑफ द फंक्शन क्रिएट्स अ इमेज इन अ कोडोमेन। ओके, तो यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन है। एक फंक्शन का एग्जाम्पल लिया है फंक्शन सच दैट एक्स टू वाई। ओके, तो यहां पे एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब कि डोमेन के रिस्पेक्ट में जो भी कुछ कंडीशन दी हुई होगी वो चेंजेस आपको कोडोमेन में मिलेगा। मतलब कि कोई भी फंक्शन की इमेज क्रिएट आपको डायरेक्टली कोडोमेन में मिलेगी और ये पूरी की पूरी जो ये कंडीशन है इससे अगर ये सिचुएशन से अगर कोई फंक्शंस को अगर आप ग्रुप करो तो उसे कहा जाता है मैपिंग। सो तो एज पर मैपिंग फंक्शन को हम ग्रुप कर रहे हैं। तो ये मैपिंग क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा यहाँ पे देखा। एग्जाम्पल फंक्शन सच दैट एक्स टू वाई, दो फंक्शन है यहाँ पे। ओके, फंक्शन क्या दिया गया है? y इज इक्वल टू 2x। फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो सिमिलरली x डोमेन होता है, y कोडोमेन होता है। x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ तो मुझे y क्या मिलता है? 1 का डबल 2 मिलता है। ठीक है, यहाँ 2 रखूँ तो 2 2 4, तो 2 को 4 के साथ कनेक्ट करना है, 3 को 6 के साथ कनेक्ट हो रहा है, 4 8 के साथ कनेक्ट हो रहा है। अब देख रहे हो कि मतलब सारे के सारे जो यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स हैं उन सब की वन एंड ओनली वन इमेज है यहाँ पे कोडोमेन में। ठीक है, तो इस तरह से हम ये फंक्शंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शंस के जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो कैसे लिखेंगे? तो 1 2 रहेगा, 2 4, 3 6 एंड 4 8। ओके, 1 2 3 4, 2 4 6 8। तो आपको पता चल रहा है ये 1 2 3 4 ये फर्स्ट एलिमेंट है और 2 4 6 8 है ये सेकंड एलिमेंट है। तो आपको पता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है डोमेन। देखो मैंने ये सेट बनाया फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट एलिमेंट मतलब 1 2 3 4, इसको कहते हैं हम डोमेन। और सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट मीन्स 2 4 6 8, 2 4 6 8 वो सेकेंड एलिमेंट के सेट को हम कहते हैं रेंज। तो ये है डोमेन और ये है रेंज। देखो कोडोमेन और रेंज को मिक्स मत करना। रेंज उसी को कहते हैं जो फंक्शन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, सो ये कुछ ओवरव्यू हुआ मैपिंग के बारे में कि किस तरह से हम फंक्शन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ हम टाइप्स ऑफ फंक्शन अलग अलग देखें। स्टार्ट करते हैं 1-1 फंक्शन से। 1-1 फंक्शन किसे कहेंगे? 1-1 फंक्शन का एक दूसरा नाम इंजेक्टिव भी है, उसे हम इंजेक्टिव भी बोल सकते हैं। यहाँ पे फंक्शन के सामने जरा अच्छे से देखो डेफिनेशन क्या है, बाद में देखते हैं। पहले फंक्शन के नाम देखो, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब आप देख सकते हो डोमेन की सारे के सारे एलिमेंट की वन एंड ओनली वन ही इमेज यहाँ पे कोडोमेन में क्रिएट हो रही है। देखो इसको ये फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग ये इमेज क्रिएट की गई है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x का स्क्वायर करोगे तो आपको y मिलता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसका मतलब ये हुआ कि x डोमेन है और इसकी वन एंड ओनली वन ही इमेज आपको कोडोमेन में जनरेट होती हुई मिल रही है। तो ऐसा कोई फंक्शन जिसकी एक एलिमेंट की एक ही इमेज, एक ही यूनिक इमेज क्रिएट होती हुई आपको कोडोमेन में दिखे तो उसे आप कह सकते हो 1-1 फंक्शन। नाउ डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन हैव अ वन एंड ओनली वन इमेज इन अ कोडोमेन। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 की इमेज 4 की है और 3 की भी 4 हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सबकी और सबकी यूनिक इमेज यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए कोडोमेन में, तभी वो 1-1 फंक्शन कहलाता है। तो अब ये मैनी वन फंक्शन, सेकंड टाइप इज अ मैनी वन फंक्शन। मैनी वन का मतलब क्या है? यहाँ देखो वन एलिमेंट की वन इमेज मिलती है या मैनी एलिमेंट की वन इमेज, मतलब ये हुआ कि एक एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे सामने सामने होते हैं। अब मैनी एलिमेंट की वन इमेज मतलब एक इमेज, दो इमेज, दो एलिमेंट की एक इमेज मिले, तो कुछ इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। सो ये भी एक तरह के
एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने, देखो ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, यहाँ पे मैंने इंटीजर्स भी, यहाँ मैंने इंटीजर्स रखे हैं, ओके, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप जानते हो कि माइनस टू का स्क्वायर फोर होता है और टू का स्क्वायर भी फोर होता है, तो ये मैनी वन हुआ ना, मैनी वन मीन्स मैनी एलिमेंट, मैनी एलिमेंट मतलब दो एलिमेंट की एक ही इमेज क्रिएट हुई, क्या एक ही इमेज क्रिएट हुई, फोर दिख रहा है, वैसे ही माइनस वन की और वन की भी एक ही इमेज क्रिएट होगी वन, समझ में आ रहा है, मैनी एलिमेंट की मतलब के ज़्यादा एलिमेंट की डोमेन में एक ही इमेज आपको कोडोमेन में क्रिएट होती हुई मिले तो उसे हम कहते हैं मैनी वन, ठीक है, तो ये मैनी वन होता है। सो नाउ अवर थर्ड टाइप इज ओंटो फंक्शन। ओंटो फंक्शन क्या है, देखो ओंटो फंक्शन में कंडीशन क्या है, वन वन में क्या था कि एक ही एलिमेंट डोमेन में जो एक ही एलिमेंट होता है उसकी एक ही इमेज होती है, मैनी वन में क्या होता है कि मैनी एलिमेंट की एक इमेज होती है। अब यहाँ पे क्या है, अब फंक्शन इज सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी ओंटो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। अब इसका मतलब क्या है, सारे के सारे एलिमेंट वाई के ऑक्यूपाई होने चाहिए, इसका सिंपल मतलब यही है कि वाई यानी कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट की एक इमेज आपको यहाँ पे डोमेन में मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कवर होने चाहिए। अब यहाँ देख सकते हो आप y इज इक्वल टू टू एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का डबल यहाँ पे इमेज मिलता है 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, तो ये ओंटो हो गया। ओंटो क्यों हुआ, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन अ y इज अ सम एल इज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन x। सिंपल ये अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो y के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं, ओके ये यहाँ पे रह गया, phi रह गया, और ये नहीं रहा होता तो ये 1 1 भी होता, अगर ये फाई नहीं रहा होता तो ये 1 1 भी होता। अब 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि 1 1 का कंडीशन क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट की एक यूनिक इमेज क्रिएट होनी चाहिए कोडोमेन में, सारे के सारे एलिमेंट की डोमेन के, सारे के सारे एलिमेंट की नहीं है, एक एलिमेंट यहाँ पे छूट गया इसलिए ये 1 1 नहीं होगा, पर ओंटो होगा क्योंकि ओंटो का कंडीशन ये है कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, तो ये ओंटो है, ओके। जो एलिमेंट 1 1 भी होते हैं, जो फंक्शन 1 1 भी होता है, जो फंक्शन ओंटो भी होता है, उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव, याद रखना उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव। तो सिंपल जो इंजेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव होता है, दोनों जो होता है उसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव। अभी हम थोड़े बहुत एग्जांपल सोल्व करें तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ये कौन कौन से फंक्शंस है, ठीक है। सो यहाँ हम देखें ए का 1 का ए है, 2 का बी है, ठीक है, 3 का डी है और 4 का सी है। एक चीज़ समझो, डोमेन के सारे एलिमेंट कवर हो चुके हैं। अब डोमेन के सारे एलिमेंट की वन एंड ओनली वन यूनिक इमेज है कोडोमेन में, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन हुआ, ये 1 1 फंक्शन हुआ, ओके। ये ओंटो क्यों नहीं हुआ, ओंटो उसी को कहते हैं जिसमें कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर हो जाए, पर यहाँ कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर नहीं हुए हैं तो इसलिए ओंटो नहीं है, डोमेन के कवर हुए हैं इसलिए ये 1 1 है। सो नाउ दिस वन, देखे सीधा आपको पता चल रहा है कि ये मैनी वन है, ये मैनी वन है क्योंकि दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो ये मैनी वन होगा, ओके ये मैनी वन है। ये 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज यहाँ पे क्रिएट नहीं हुई है। ये ओंटो क्यों नहीं है, क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर नहीं हुए हैं, तो ये मैनी वन होगा। अब यहाँ देखिए ये भी मैनी वन है कि नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज यहां पे कोडोमेन में क्रिएट हो रही है, तो ये मैनी वन होगा। दूसरा ये ओंटो भी होगा, ये ओंटो क्यों होगा, क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स यहां पे कवर हो रहे हैं। एवरी एलिमेंट इन अ कोडोमेन हैव अ इमेज इन सम एलिमेंट इन डोमेन, तो ये ओंटो भी होगा, दो होगा। अब यहां पर देखें सारे एलिमेंट डोमेन के कवर हो चुके हैं, सबकी यूनिक इमेज मिल रही है, सारे एलिमेंट कोडोमेन के भी क्रिएट ऑक्यूपाई हो चुके हैं, तो ये 1 1 और ओंटो दोनों होगा, मतलब ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। सो नाउ अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2। वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 1.2। सो 1.2 एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है वो सब हम धीरे धीरे अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, आपको डायरेक्टली पता होगा, आपको फंक्शन देख के मालूम पड़ जाएगा कि ये 1 1 है, ऑटो है, सब्जेक्टिव है, बाइजेक्टिव, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। पर उसको लिखना कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको लिखना कैसे है, तो आपको यहाँ पे वही सीखना है कि हाउ टू राइट,
कैसे आप एग्जाम में उसको लिखें. सो फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट फंक्शन ऑफ आर, फंक्शन सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स. देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर. ओके, अब फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है. चलो, सो नाउ इज अ वन वन एंड ऑन टू वेर आर इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स. मतलब आर किसका सेट है, आर इज अ सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर. इसका मतलब ये होता है कि जीरो नहीं लेना है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, इसके बाद और कंडीशन दी हुई है, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ द डोमेन आर इज रिप्लेस बाय एन. ये सेम रिजल्ट मिलेगा अगर मैं इस रियल नंबर को रिप्लेस कर दूं नेचुरल नंबर से. चलो धीरे धीरे सब देखें. सबसे पहले तो हमारे पास कंडीशन है रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो रियल नंबर का एक सेट यहां ऑर्गेनाइज करता हूं मैं. चलो देखें, जीरो नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है. माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, वन टू थ्री, अगेन माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, वन टू थ्री. देखो मैंने लिखा यहां तक ही है, ये x है ये y है. चलो दो हम ले लेते हैं, हमारे पास ये डोमेन है ये कोडोमेन है, दोनों सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स है. नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब जिस दोनों में जीरो नहीं है, इतना क्लियर. अब ऐसा नहीं है कि थ्री तक मैंने लिखा है तो आगे फोर नहीं आता है, सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूड होते हैं सिवाय जीरो. ठीक है, चलो रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स. थोड़ा सोचो, अगर मैं यहाँ पे एफ, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अगर एफ की जगह मैं माइनस थ्री रखूंगा तो मुझे क्या आएगा, माइनस वन अपॉन थ्री मिलेगा. यस और नो? क्यों? क्योंकि जो डालोगे उसको वन अपॉन में आपका आंसर मिलता है. अगर मैं इसको एफ की जगह माइनस टू में रखूं तो मुझे माइनस वन अपॉन टू मिलेगा. अगर एफ की जगह माइनस वन रखूं तो माइनस वन मिलेगा. अगर एफ की जगह टू रखूं तो वन बाई टू मिलेगा. देख रहे हो, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब डोमेन में है. एंड एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन गेट ए यूनिक इमेज, गेट ए यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन. क्यों? क्योंकि माइनस वन अपॉइंट थ्री इसमें इंक्लूड होता है. माइनस वन अपॉइंट थ्री मतलब 0.33, 0.33 यानी कि कितना होगा, माइनस वन अपॉइंट थ्री जीरो और इसके बीच में आएगा कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा. देखो उस ये सब एलिमेंट्स को मैं यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बट इतना हमें मुझे पता है कि एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन गेट ए यूनिक इमेज, गेट ए यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन. अगर टू है तो अगर आप यहाँ थ्री लिखोगे तो मुझे वन बाई थ्री मिलेगा. अब ऐसा तो है नहीं कि किसी दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल रही हो, ऐसा नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज मिल रही है. तो मतलब मैं कह सकता हूं, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वन वन फंक्शन होगा, ये इंजेक्टिव होगा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव यानी कि ओंटो. ओंटो उसे कहते हैं जिसमें आप सारे के सारे रियल नंबर्स को, सारे के सारे रियल, सारे सारे के कोडोमेन के एलिमेंट्स को कवर कर पाओ, सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स को आप कवर कर पाओ तो हो ही जाएंगे ना, क्योंकि सब एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है तो सारे के सारे एलिमेंट कोडोमेन के कवर हो ही जाएंगे. तो इसे आप ओंटो भी कह सकते हो, इसे आप ओंटो भी कह सकते हो. तो ये इंजेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, मतलब ये बायजेक्टिव भी होगा. देखो ये सब चीज़ें मैंने लिखी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि आपको इस तरह से अंडरस्टैंड करना है किसी एग्जाम्पल को. नाउ इसको लिखते कैसे हैं, नाउ इसको लिखते कैसे हैं. अब देखो, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी अ रियल नंबर. चलो मैं सपोज कर रहा हूं एक्स वन एंड एक्स टू रियल नंबर है, रियल नंबर है. ठीक है, अब कंडीशन क्या है, एफ एक्स वन आपको फाइंड करना है, एफ एक्स टू आपको फाइंड करना है. एफ एक्स वन मीन्स क्या, फंक्शन में एक्स वन डालो, फंक्शन में एक्स वन डालूंगा तो मुझे यहाँ पे आएगा वन अपॉन एक्स वन और मुझे यहाँ मिलेगा वन अपॉन एक्स टू. देखो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स वन डालने से वन अपॉन एक्स वन मिला, एक्स टू डालने से वन अपॉन एक्स टू मिला. नाउ इक्वेट करें, इक्वेट करें, फंक्शन एक्स वन इज इक्वल टू फंक्शन एक्स टू, इसको इक्वेट कर रहा हूँ मैं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू मिलेगा. तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या होता है, दिस इज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू.
दिस इज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होता है। तो अगर इस तरह से आपको मिल जाता है, अगर फंक्शन को इक्वेट करने से आपको एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिल जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वन वन फंक्शन है। सारे के सारे वन वन फंक्शन को आपको इसी मेथड में लिखना है, याद रख लो, सारे के सारे वन वन फंक्शन को, यानी कि इंजेक्टिव फंक्शंस को आपको इसी मैनर में लिखना है। अगर इन दोनों को इक्वेट करने से आपको x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता है तो आपका वन वन फंक्शन है। पर अगर इसको इक्वेट करने के बाद ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं आपके, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। उसका भी एक सिचुएशन देखेंगे। ओके, ये वन वन के बारे में पता चल गया। नाउ ओंटो, ओंटो कैसे प्रूव करें? देखो, ओंटो प्रूव करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाओ। अभी आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है वन अपॉन एक्स, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स दिया हुआ है। सोचो एक्स, एफ एक्स की जगह मैं वाई ले सकता हूँ, ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? एफ एक्स की जगह मैं वाई ले सकता हूँ, तो मैं या क्या ले रहा हूँ, मैंने सपोज क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज किया मैंने, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई सपोज किया मैंने, ठीक है। अब इसको मैं एक्स वाई इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वन अपॉन वाई लिख सकता हूं। क्या कर रहा हूं, देखो ये जो था, ये आपके y के फॉर्म में इक्वेशन बन रहा था, इसको मैंने बना दिया x के फॉर्म में इक्वेशन, इसको मैंने बना दिया x के फॉर्म में इक्वेशन बना दिया, ठीक है। चलो अब x की वैल्यू मेरे पास वन अपॉन वाई है, x की वैल्यू मेरे पास वन अपॉन वाई है। अब ये वैल्यू मैं वापिस, ये वैल्यू मैं वापिस इसमें डाल के देखूंगा, ये वैल्यू मैं अगेन ये फंक्शन में डाल के देखूंगा। अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा ओंटो फंक्शन है, अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो ओंटो नहीं है। किस तरह से, देखो x की वैल्यू है 1 अपॉन y, x की वैल्यू है 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन y में x की जगह पुट कर दूं, y 1 अपॉन y, f 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह भी 1 अपॉन y लिखना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जाता है, तो मुझे मिल गया ना, मुझे क्या मिला कि f 1 अपॉन y, यानी कि सिंपल एफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिली, y मिल गई। देखो अगेन फिर से समझाता हूं, फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन की जगह मैं y रख रहा हूं, सपोज कर रहा हूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अब ये इसको मैं x के फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह से लगेगा ये। अब x की वैल्यू मैं वापिस x की जगह डाल दूं, तो अगर मुझे fx इज इक्वल टू मुझे y मिल जाता है तो ये ओंटो है, और अगर नहीं मिलता है तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये 1 1 भी है, ये ओंटो भी है, 1 1 और ओंटो दोनों है, तो हम उसे कहते हैं ये बाइजेक्टिव है। सो नाउ ये केस फर्स्ट था आपका, फर्स्ट केस को मैं इस तरह से आपको कुछ लिखना है। नाउ सेकेंड केस, नाउ सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या कहता है, ओके चलो अब इसको रिप्लेस करते हैं नेचुरल नंबर से, इसको रिप्लेस करते हैं नेचुरल नंबर से, तो क्या होगा, यहाँ आएगा 1 2 3 4 5, इसको हम रिप्लेस कर दिया हमने नेचुरल नंबर से, तो अब यहाँ r नहीं है, अब यहाँ है n, है कि नहीं, ओके वन। अब हम थोड़ा देखें, थोड़ा देखो यार, वन यहाँ वन रखूँगा तो मुझे वन अपॉन वन वन मिलेगा, यहाँ टू रखूँगा तो मुझे वन अपॉन टू सॉरी वन बाई टू मिलेगा, थ्री रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वन बाई थ्री मिलेगा, फोर रखूंगा तो वन बाई फोर मिलेगा। तो सिंपल, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिसकी इमेज एक हो, एवरी एलिमेंट गेट यूनिक इमेज, एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन गेट अ यूनिक इमेज। तो ये वन वन फंक्शन है, ये वन वन, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ ये ओंटो है, ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये ओंटो है, बट ये वन वन है। वन वन क्यों है, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन गेट अ यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन। कितना भी रखो, छः रखो, सात रखो, एट रखो, वन अपॉन एट मिलेगा, वन अपॉन एट इज ऑल्सो रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है ना, वन अपॉन एट रियल नंबर हो सकता है। ओके, तो हमें पता चल गया कि ये वन वन है, तो लिखे कैसे, अगेन सेम थिंग, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी अ रियल नंबर, रियल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। एफ एक्स वन की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन एक्स वन, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन एक्स टू, तो हमें मिल गया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, मिल गया, तो ये मिल गया, तो ये वन वन फंक्शन है। अब ये ओंटो है क्या, ये ओंटो है क्या, नहीं है। क्यों ओंटो नहीं है, आप देख पाओगे कि जितने भी नेचुरल नंबर्स आप पुट करते हो, जितने भी नेचुरल नंबर आप पुट करते हो, एवरी टाइम यू गेट पॉजिटिव आंसर,
एवरी टाइम यू गेट पॉजिटिव आंसर तो ये नेगेटिव नंबर्स कहाँ गए? वन तो उसी को कहते हैं जिसमें को डोमेन के सारे एलिमेंट्स को आप कवर कर पाओ। अब नेगेटिव नंबर्स तो नेगेटिव एलिमेंट्स तो आप कवर ही नहीं कर पा रहे हो। तो एग्जाम्पल लूँ, हेंस माइनस थ्री बिलोंग्स टू आर, यानी कि को डोमेन। क्या माइनस थ्री कवर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर को आप रखोगे एवरी टाइम यू गेट पॉजिटिव आंसर। तो मैं क्या लिख रहा हूं, लेट हेंस माइनस थ्री बिलोंग्स टू आर मीन्स को डोमेन। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिससे हमें फंक्शन की वैल्यू माइनस थ्री मिले, जिससे हमें फंक्शन की वैल्यू माइनस थ्री मिले, क्योंकि माइनस थ्री बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है, तो इट्स नॉट ऑन्टो फंक्शन, ये ऑन्टो नहीं होगा। नॉट ऑन्टो नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है कि ये सब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है मतलब कि बाइजेक्टिव नहीं होगा ये। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था। ओके, चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, मीन्स यू हैव टू चेक वेदर फंक्शन इज वन वन और ऑन्टो। अब आपको लिखना तो आ ही गया है, आपको लिखना आ गया है, तो मैं अब सब चीज़ों के बारे में लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दूंगा। चलो, हमें इसकी इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी हमें इसकी चेक करनी है। ठीक है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, बना दो यार, दो बनाओ यहाँ पे फंक्शंस। नेचुरल नंबर मीन्स क्या होता है, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ भी नेचुरल नंबर है, यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, अगर मैं यहाँ वन रखूँ तो मुझे वन मिलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर करना है ना भाई। एफ टू रखूँ तो मुझे मिलेगा फोर, एफ थ्री रखूँ तो मुझे मिलेगा नाइन, एफ फोर रखूँ तो मुझे मिलेगा 16। एवरी टाइम आई गेट यूनिक इमेज इन अ को डोमेन, यस और नो? एवरी टाइम आई गेट यूनिक इमेज इन अ को डोमेन, वाई आई एम पुटिंग 3, 1, 2, 3, 4 इन अ फंक्शन। तो यूनिक इमेज है तो यस ये इंजेक्टिव होगा, तो ये वन वन फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना। क्या ये ऑन्टो है? क्या ऑन्टो है? नहीं होगा ऑन्टो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ वन है या फोर है, तो टू थ्री कहाँ गया, फोर है, नाइन है, तो फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फाइव सिक्स सेवन एट कहाँ गए? इन दोनों के बीच के नंबर्स कहाँ गए? ऑन्टो का मतलब ये होता है कि आप सारे के सारे नंबर्स को डोमेन के आप कवर कर लो, तो ये ऑन्टो होगा नहीं, ये ऑन्टो नहीं होगा, पर वन वन होगा। ठीक है, नाउ सेकंड केस, फंक्शन सच दैट जेड टू जेड गिवन बाय फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, जेड टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, इंटीजर्स है तो लिख देते हैं हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू एंड थ्री। नाउ वी हैव टू चेक क्या करें, चलो पुट करते हैं। एक चीज़ समझो, एफ माइनस थ्री की वैल्यू क्या आती है तो नाइन आती है, और एफ थ्री की वैल्यू भी क्या आती है, नाइन आती है। द टू एलिमेंट इन द डोमेन गेट अ यूनिक इमेज इन को डोमेन, यस और नो? नो, नॉट अ यूनिक इमेज, दे बोथ आर गेट सेम इमेज। माइनस थ्री की भी नाइन आ रही है, थ्री की भी नाइन आ रही है, तो सेम इमेज अगर मिल रही है तो ये वन वन तो होने ही नहीं वाला है, इट्स नॉट अ वन वन फंक्शन। ठीक है, तो हाउ टू राइट, किस तरह से लिखें? आपको अगर वन वन होता है तो लिखना आता है, वन वन नहीं होता तो उसको कैसे, किस तरह से लिखें? तो लिखो, लेट एक्स वन एंड एक्स टू बी अ, अब रियल नंबर तो है ही नहीं तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंटीजर। ठीक है, अब एफ एक्स वन मेरे पास क्या है, एफ एक्स वन अगर मैं वहाँ डालूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे एक्स वन का स्क्वायर, एफ एक्स टू तो मुझे मिलेगा एक्स टू का स्क्वायर। ठीक है, चलो इक्वेट करते हैं, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू,
तो मुझे मिलेगा क्या, एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो इसका अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होता है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होता है, बट ध्यान में रखो बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, बट एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू, बट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू एंड एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स टू। क्यों? क्योंकि माइनस थ्री और थ्री इक्वल नहीं होते हैं। थोड़ा ध्यान दो यहां पे, थोड़ा ध्यान दो, देखो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू को मैंने इक्वेट किया तो एक्स वन और एक्स टू इक्वेट आना चाहिए, ये आना चाहिए, पर आ नहीं रहा है ना भाई, एक्स वन और एक्स टू यहां इक्वल नहीं है, एक्स वन और एक्स टू यहां पे इक्वल नहीं है और फंक्शन इक्वल है तो ये वन वन फंक्शन होगा, नहीं होगा, नॉट अ वन वन फंक्शन। देखो अब मैं यहां समझाऊं आपको, यहां थोड़ा फोकस करो यार, देखो एफ एक्स वन और एफ एक्स टू दोनों सेम है, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू दोनों सेम है, तो क्या एक्स वन और एक्स टू सेम है? नहीं है। देखो वन वन तभी होता है जब आपको एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू मिले और यस एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिले, तब ये वन वन होगा, और अगर ये दोनों नहीं इक्वल मिले तो ये वन वन नहीं होगा। यहां मिल रहा है बट एक्चुअली ये दोनों इक्वल नहीं है, एक्चुअली ये दोनों इक्वल नहीं है, यहां पे दिख रहा है फंक्शन इक्वल है पर ये दोनों इक्वल नहीं है, नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि वन वन फंक्शन नहीं होगा, इट्स नॉट अ वन वन फंक्शन। ओके नाउ ओंटो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओंटो, तो नाउ स्क्वायर, स्क्वायर की बात करें तो अगर माइनस थ्री का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा नाइन, माइनस टू का स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा फोर, माइनस वन का स्क्वायर करूंगा मुझे मिलेगा वन, सिमिलरली इन तीनों का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे आई गेट एवरी टाइम पॉजिटिव आंसर, आई गेट एवरी टाइम पॉजिटिव इमेज इन अ कोडोमेन। तो व्हाट अबाउट दिस नेगेटिविटी, ये सब कहाँ जाएगी? ऑन्टो उसी को कहते हैं जो सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स को कवर करे, ये तो कवर हो ही नहीं रहे हैं। तो वही पुरानी स्टेटमेंट जो मैंने आपको लिख के दी थी कि माइनस थ्री बिलोंग्स टू आर बट देट डज नॉट एक्सिस्ट एनी एक्स सच दैट फंक्शन इज इक्वल टू माइनस थ्री, ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिससे हमको आपको नेगेटिव आंसर मिले, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ओके सो नाउ थर्ड, नेक्स्ट देखो, बहुत आराम से करवा रहा हूं एक्सरसाइज, तो ध्यान से समझो। थर्ड क्या है, रियल नंबर टू रियल नंबर एंड गिवन बाय फंक्शन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा समझो यार, रियल नंबर टू रियल नंबर है, ये आप खुद ही करना, ये एग्जांपल आप खुद ही करना, क्योंकि रियल यहां पे अब जो मैंने इंटीजर्स बनाए हुए थे उसकी जगह यहां पे रियल नंबर्स होंगे। आपको कुछ भी डाउट है नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ है, वहां मुझे डीएम कर देना। ओके नाउ फोर्थ वन, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं सेम एग्जांपल्स में। फंक्शन सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके चलो देखें, एक्स क्यूब है और दोनों डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर से भरे हुए हैं। नेचुरल नंबर्स मींस वन टू थ्री फोर फाइव, ये भी होंगे वन टू थ्री फोर फाइव। तो अगर मैं f1 रखता हूं तो मुझे 1 मिलता है, f2 रखता हूं तो आई गेट 8, f3 रखता हूं तो आई गेट 27। एवरी टाइम आई गेट यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन, यस और नो? मुझे यूनिक इमेज मिल रहा है एवरी टाइम, तो मैं कह सकता हूं कि ये 1-1 फंक्शन होगा, ये 1-1 फंक्शन होगा। अब लिखते कैसे हैं, यू नो दैट। अब ऑन्टो की बात करें, ऑन्टो नहीं होगा, ऑन्टो क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 से लेकर 7 तक के नंबर कहाँ गए? ऑन्टो मीन्स सारे के सारे नेचुरल नंबर को आप यहाँ पे कवर करो, 2 से लेके 7 तक नंबर कहाँ गए, 9 से लेके 26 तक नंबर कहाँ गए? नहीं मिल रहे हैं, तो सारे के सारे इसके नंबर्स कवर नहीं हो रहे हैं। लिखते कैसे, यू नो दैट, तो ये ऑन्टो नहीं होगा, इट्स नॉट अ ऑन्टो फंक्शन, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ वन, फंक्शन सच डेट जेड टू जेड मीन्स दोनों इंटीजर्स हैं गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो थोड़ा ध्यान से देखें, इंटीजर टू इंटीजर्स, इंटीजर्स में कौन से आते हैं, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री,
माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री ठीक है चलो अब मैं यहाँ लिखता हूँ f माइनस थ्री माइनस थ्री का क्यूब क्या होता है माइनस ट्वेंटी सेवन एफ माइनस टू का होता है माइनस एट एफ वन वन का होता है वन से ठीक है एफ माइनस वन का होता है माइनस वन एफ टू टू का होता है एट देख रहे हो एवरी टाइम आई गेट यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन एवरी टाइम आई गेट यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन तो आई कैन से दैट दिस इज वन वन फंक्शन सिमिलर पुराने एग्जाम्पल जैसा ही है वन वन फंक्शन है बट क्या ये ओंटो है नहीं है ओंटो ओंटो क्यों नहीं है क्योंकि एलिमेंट सब के सब हम कवर कर ही नहीं पा रहे हैं माइनस थ्री से माइनस ट्वेंटी सेवन आ रहा है माइनस टू से माइनस एट आ रहा है तो बीच के कहाँ गए बीच के इंटीजर्स मिसिंग है तो ओंटो नहीं होगा ये ओंटो नहीं होगा ये छोड़ो ओंटो फंक्शन ठीक है सो यहाँ पाँचों केस कवर कर दिए हैं नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स थर्ड सो थर्ड प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मीन्स मॉडुलस फंक्शन फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर ओके चलो ये बोल दिया है गिवन बाय फंक्शन मॉडुलस फंक्शन है तो आपको पता है इसका ये दिया हुआ है हमें मोड एक्स इस नेदर वन वन नोर ओंटो ये वन वन भी नहीं है ओंटो भी नहीं है ये हमें दिखाना है ओके नेक्स्ट वेयर मोड एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स इट्स ओके चलो सबसे पहले तो रियल नंबर टू रियल नंबर है और मोड एक्स की बात चल रही है चलो मैं यहाँ पे दो बना रहा हूँ दो फंक्शन बना रहा हूँ और जब मोड एक्स की बात आए तो पॉइंट में भी लेना सीखो मोड एक्स की बात आए तो कैसे माइनस वन पॉइंट टू माइनस थ्री पॉइंट एट माइनस फाइव पॉइंट वन वन पॉइंट टू थ्री फोर अब आपको लग रहा होगा यार सर कैसे इस आपने पॉइंट में ले लिया अब उसका भी एक रीज़न है यार मैं कुछ भी लिख सकता हूँ क्योंकि जब बात रियल नंबर से रियल नंबर की हो रही है तो ये सब रियल नंबर में ही आता है तो यहाँ माइनस थ्री पॉइंट नाइन माइनस फोर पॉइंट एट माइनस सिक्स पॉइंट फोर माइनस वन टू थ्री पॉइंट नाइन कुछ भी ले सकता हूँ मैं यहाँ सॉरी यहाँ प्लस आएगा हाँ कुछ भी ले सकता हूँ ओके चलो सो नाउ वन बाय वन हम डोमेन के एलिमेंट्स को पुट करें सो एफ चलो मैं यहाँ वन पॉइंट टू पुट करता हूँ तो मुझे वन मिलेगा ना भाई क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अगर मोड में 1.2 पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 तो 1 पुट करने से क्या मिलेगा 1 ही तो मिलेगा देखो यार कोई भी एलिमेंट अगर डेसिमल प्लेस में है डेसिमल में लिखा हुआ है जैसे कि 5.9 लिखो 5.8 लिखो 5.7 लिखो या 5 खुद लिखो सबका आंसर सबकी कोडोमेन में इमेज 5 ही आने वाली है तब 1.6 लिखो 1.9 लिखो ये सबकी इमेज आपको 1 ही आएगी तो ये 1 1 होने ही नहीं वाला है क्योंकि एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन गेट अ सेम इमेज इन अ कोडोमेन तो लिखोगे कैसे लेट अगेन सिखा रहा हूँ वापस सिखा रहा हूँ x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर है तो fx1 क्या होता है मोड x1 होता है और fx2 क्या होता है वो भी मोड x2 होता है तो अगर हम fx1 और fx2 को अगर हम इक्वेट करें तो हमारा आंसर आएगा मोड x1 इज इक्वल टू मोड x2 मोड x1 इज इक्वल टू मोड x2 अब x1 और x2 जरा सोचो हम एलिमेंट मोड x1 तो ये x1 इज इक्वल टू x2 होने ही वाला है ना बट आप यहाँ जानते हो आप यहाँ जानते हो कि fx सेम है fx1 लो या fx2 लो वो दोनों सेम है fx1 लो या fx2 लो सेम है बट x1 और x2 सेम नहीं है तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बिकॉज 1.2 इज नॉट इक्वल टू 1 यस और नो यस मैंने यहाँ दिखा तो दिया बट एक्चुअली क्या है कि दो फंक्शन सेम है बट x1 और x2 यानी कि डोमेन के एलिमेंट सेम नहीं है ये सेम नहीं है तो ये 1-1 होगा नहीं होगा ये 1-1 नहीं होगा नहीं होने वाला है ओके नाउ ऑन टो एक चीज समझो जितने भी एलिमेंट में डोमेन में ले रहा हूँ चाहे मैं -1.2 लूँ या 1.2 लूँ -4.8 एवरी टाइम आई गेट पॉजिटिव इमेज इन अ कोडोमेन यस और नो यस अगर मैं यहाँ पे
एफ 1.3 लिखूं तो मुझे 1 मिलेगा, एफ माइनस 1.4 लिखूं तो मुझे आंसर 1 मिलेगा, अगर मैं एफ 5.9 लिखूं तो मुझे आंसर 5 मिलेगा, अगर एफ माइनस 5.9 लिखूं तो भी मुझे आंसर 5 मिलेगा। एवरी टाइम आई गेट पॉजिटिव इमेज इन कोडोमेन, तो मतलब नेगेटिव इमेज, नेगेटिव सब कहाँ गए, नेगेटिव के बारे में हमने सोचा ही नहीं, नेगेटिव के बारे में हमने सोचा नहीं तो ये ऑन टो भी होने वाला नहीं है। तो लिखोगे क्या, व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट के नो नेग, यू हैव टू राइट, कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक एलिमेंट उठा लो, हेंस मैं यहाँ लिख दूँ कि 6.4 बिलोंग्स टू आर, चलो यहाँ पे एक उठा लिया मैंने, माइनस 6.4 बिलोंग्स टू आर, बट देयर डज नॉट एक्सिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिट एग्जिस्ट एनी एक्स, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स सच दैट फंक्शन इज इक्वल टू माइनस 6.4। एक भी x की वैल्यू ऐसी नहीं है, एक भी डोमेन के एलिमेंट की वैल्यू ऐसी नहीं है जिसकी मदद से हमें फंक्शन माइनस 6.4 मिले, तो ये ऑनटो होगा नहीं होगा, इट्स नॉट अ ऑनटो फंक्शन। ओके सो नाउ फोर्थ वन, शो दैट मॉडुलस फंक्शन, अगेन मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन सच दैट आर टू आर गिवन बाय फंक्शन इज इक्वल टू मोड एक्स, फंक्शन is equal to mod x is a neither one one nor onto where x is x, x is a positive or zero or mod x is a minus x is a negative। okay chalo kya hai, ek situation de di gayi hai, x ki value do ho sakti hai, ya to x ho sakti hai ya minus x ho sakti hai, positive tabhi hogi jab x ki value zero ya zero se badi hogi aur negative tabhi hogi jab zero se छोटी होगी। चलो ये कंडीशंस आपको यहां पे दे दी गई है, ठीक है, चलो सो नाउ अब यहां पे रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो मैं दो रियल नंबर का बना लेता हूं, एक एक्स है ये एक वाई है, -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके देखो मैंने यहाँ डेसिमल प्लेसेस यानी पॉइंट वाले नहीं डाले हैं तो भी पता चल जाएगा, चलो मैं यहाँ पे डालता हूँ -3 तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे -3 डालने से क्या मिलेगा, एनी आइडिया, तो ऑब्वियसली -3 डालोगे फंक्शन के अंदर, मॉड्यूलस फंक्शन है, फंक्शन के अंदर -3 डालोगे तो आपको आंसर 3 मिलेगा, एफ 2 डालूं तो मुझे आंसर 2 मिलेगा, एफ 3 डालूं तो मुझे आंसर 3 मिलेगा, देख रहे हो कोई भी दो एलिमेंट यहां से उठाया पर उन दोनों की सेम इमेज मुझे मिली, उन दोनों की मुझे सेम इमेज कोडोमेन में मिली, तो मैं कह सकता हूं कि ये 1-1 फंक्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा, अब ऑनटो फंक्शन भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से इंक्लूड होंगे ही नहीं, नेगेटिव फंक्शंस इंक्लूड होंगे ही नहीं, तो ये ऑनटो फंक्शन भी नहीं होने वाला है, ठीक है। अब किस तरह से लिखना है, यू नो दैट, नाउ फिफ्थ वन, सो नाउ शो दैट द सिग्नम फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री है, फंक्शन इज सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, गिवन बाय, एक सिचुएशन दे दी गई है आपको, अलग अलग कंडीशन, क्या कंडीशन कहती है, चलो देखें, 1, 0 और -1, तब इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 0। ओके चलो, ये तो सब कुछ दे दिया आपको, ये तो एवरीथिंग सब कुछ दे दिया आपको, थोड़ा चेक करें, मतलब कि ये हुआ ना कि अब x से 0 से बड़ी रकम जितनी भी x की लो आपको आंसर तो 1 ही मिलने वाला है, तब मतलब 0 से बड़ा क्या होता है, मैं 1 लूँ, 2 लूँ या मैं 3 लूँ, मुझे आंसर तो 1 ही मिलेगा, मुझे आंसर तो 1 ही मिलेगा भाई, सिचुएशन ऐसी बोल रही है। अब मैं 0 से छोटे जितने भी लूँ, यानी कि -1 लूँ, -2 लूँ या -3 लूँ, मुझे आंसर तो -1 ही मिलने वाला है, क्योंकि सिचुएशन ये बोल रही है, मुझे सिचुएशन यही कह रही है, तो क्या ये 1-1 होगा, नहीं होगा, 1-1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि बात ही तो 1 और -1 ही तो आ रहा है यहाँ पर, और एलिमेंट्स कहाँ गए, एवरी 1-1 क्या कहता है, एवरी एलिमेंट इन ए डोमेन गेट अ यूनिक इमेज इन ए कोडोमेन, पर यहाँ तो सेम इमेज क्रिएट हो रही है, तो 1-1 तो होने नहीं वाला है। किस तरह से लिखोगे, लेट x1 x2 बी ऑल अ रियल नंबर
fx1 और fx2 को आप क्या करोगे, इक्वेट करोगे, जैसे कि fx1 इज इक्वल टू fx2 को आप इक्वेट करोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 1 और 2 को कंसिडर करता हूँ, 1 और 2 को मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। तो चलो मैंने यहाँ 1 डाला और मैंने यहाँ डाल दिया 2, ठीक है, 1 और 2 डाला मैंने। अब 1 का आंसर क्या मिल रहा है मुझे, 1, और 2 का आंसर भी मुझे क्या मिल रहा है, 1। तो ये कैसे हुआ, ये दोनों सेम है, तो आपको आपको यहाँ सीधा पता चल रहा है कि fx1 और fx2 सेम है, बट x1 और x2 सेम है क्या, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2। देखो इन दोनों के रिजल्ट सेम है, इन दोनों के रिजल्ट सेम है, पर x1 और x2 की वैल्यू आपको सेम नहीं मिल रही है, तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। नाउ ऑन्टो क्यों नहीं होगा, उसका भी एक रीज़न है। अब देखो यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है, या तो 0 मिलेगा, आपको 3 नंबर ही मिलेंगे, इसके बाकी के नंबर्स कहाँ गए, बाकी के नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं ना रियल नंबर में, वो तो यहाँ इंक्लूड हो ही नहीं रहे, तो ये ऑन्टो फंक्शन भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। नाउ 6 एग्जाम्पल, इट्स वेरी सिंपल, सो नाउ दिस इज 6 एग्जाम्पल, देखिए क्या है। देखो ए की ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है 4 5 6 7, तो फंक्शन के कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, पहले से दे दिए गए हैं ऑर्डर पेयर्स 1 4 2 5 एंड 3 6। हमें क्या करना है, बी अ फंक्शन फ्रॉम द ए टू बी शो दैट इस इज अ 1 1, हमें इसको 1 1 प्रूव करना है। ओके चलो, दो सेट है हमारे पास, दो फंक्शन के सेट है, बना दिए मैंने दो फंक्शंस, ठीक है। अब क्या पहले में क्या है 1 2 3, दूसरे में है 4 5 6 7, ओके ऑर्डर पेयर्स दे दिए गए हैं 1 2 1 को 4 से कनेक्शन है, 2 2 5 3 2 6, ओके। अब हमें बताना है कि ये 1 1 है या नहीं, आप खुद ही देख लो कि एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोडोमेन के सारे एलिमेंट यहाँ पे कवर हुए हैं, देखो ये एलिमेंट यहाँ पे रह गया, इसका मतलब तो ये ऑन्टो तो नहीं होगा, इट्स नॉट ऑन्टो, ये ऑन्टो नहीं होगा, बट ये 1 1 होगा, 1 1 होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दो कि एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन इज अ 1 1 फंक्शन, और वी कैन से दिस इज द इंजेक्टिव फंक्शन। ओके सो नाउ 7th एग्जांपल, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1, ऑन्टो और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। ओके चलो दिखाना है हमें, उसमें दो केस है, फंक्शन सच दैट R2R डिफाइंड बाय फंक्शन इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। चलो इसके बारे में थोड़ा देखें, सो यहां पे एक फंक्शन दिया हुआ है, पहले तो रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो दो सेपरेट सेट यहां पे ऑर्गेनाइज करते हैं, दो सेट मैं यहां पे बना रहा हूं, उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स को मैं यहां पे कवर करूंगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके सो यहां पे अगर मैं -3 पुट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, तो -3 पुट करूंगा तो 4 3 12 + 3 15 मिलेगा मुझे, मैं -2 पुट करूं f फंक्शन की जगह तो क्या मिलेगा, 4 2 8 + 3 11 मिलेगा, +2 पुट करूं तो 4 2 8 and 3 - 8 -5 मिलेगा। तो देखो इतना तो पता चल रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज हमें यहाँ पे कोडोमेन में मिल रही है, मतलब ये 1 1 फंक्शन हो रहा है, 1 1 फंक्शन हो रहा है, तो किस तरह से इसको लिखें, तो लेट x1 and x2 बी अ रियल नंबर। देखो लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो भी एक बार बता रहा हूँ, x1 and x2 बी अ रियल नंबर। नाउ fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हम बताते हैं, fx1 का मतलब क्या है कि x की जगह यहाँ पे x1 रखना, यानी कि 3 - 4 x1 होता है और इसका होता है 3 - 4 x2, होता है कि नहीं होता है, 3 3 कैंसल आउट, -- कैंसल, 4 4 कैंसल, तो x1 इज इक्वल टू x2, आई गेट x1 इज इक्वल टू x2, दो देन वी कैन से दैट दिस इज अ 1 1 फंक्शन, ठीक है, तो 1 1 फंक्शन ये है। अब ऑन्टो भी है, ऑन्टो क्यों है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो थोड़ा इसको दिखाए कि ऑन्टो कैसे है। सबसे पहले तो ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, अब इसको मैं y भी कह सकता हूं, ये y भी है, fx इज इक्वल टू y होता है ना, मैं fx को मैं y सपोज कर ले रहा हूं, अगर मेरे रिजल्ट में fx इज इक्वल टू y अगर मुझे मिल जाता है तो ये ऑन्टो होगा। अब इस ये इक्वेशन y के फॉर्म में है, उसको मैं x के फॉर्म में लिखता हूं, चलो तो क्या होगा,
ये 4x यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस इज 3 माइनस वाई, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई डिवाइड बाय 4, ये मुझे x की वैल्यू मिली। ओके अब ये x की वैल्यू में हमारे फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जहाँ x दिख रहा है वहाँ मैं x की जगह पे मेरी x की इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, क्या है 3 माइनस वाई अपॉन 4, यहाँ पे भी आएगा 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो ये 4 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस, मुझे आंसर क्या मिला, एफ एक्स का मुझे आंसर मिला एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ये तो फंक्शन है ना, ये एफ एक्स है इज इक्वल टू मुझे वाई मिला। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मुझे मिल जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन ओंटो भी है, ये फंक्शन ओंटो भी है, ये 1-1 है, ये इंजेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, तो ये बाइजेक्टिव भी होता है। सो नाउ दिस इज अवर फर्स्ट केस, नाउ सेकेंड केस, इक्वल टू 1 + x² और सेट सेम ही है, सेट वही है, फंक्शन सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर है। ओके दो रियल नंबर के हमारे पास सेट है, चलो एक बार मैं -3 ले लेता हूँ, तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर 9 + 1 = 10, और अगर मैं यहाँ 3 ले लूँ तो भी मेरा आंसर यहाँ पे 10 आ रहा है, मतलब कि सेम इमेज क्रिएट हो रही है दो एलिमेंट्स की जो डोमेन के हैं। ओके सो ये तो 1-1 तो होगा नहीं, ये 1-1 नहीं होगा, तो दिखाओ कैसे 1-1 नहीं है, तो लेट x1 and x2 बी अ रियल नंबर, ठीक है, तो अगर मैं fx1 इज इक्वल टू fx2 बताऊं, fx1 इज इक्वल टू fx2 बताऊं, तो यहाँ x1 रखना पड़ेगा, तो 1 + x1² इज इक्वल टू 1 + x2² होता है, तो इसका मतलब x1² इज इक्वल टू x2², क्योंकि 1-1 कैंसल, तो आंसर इज x1 इज इक्वल टू x2, बट इतना लिखने के बाद क्या होता है, बट fx1 इज इक्वल टू fx2, आपको पता है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 है, ये दोनों सेम है, बट fx1 इज इक्वल टू fx2, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 सेम नहीं है, क्योंकि -3 और 3 सेम नहीं होता है, ये कब 1-1 नहीं होता है, जब x1 और x2 की वैल्यू सेम ना हो, दे बोथ आर नॉट इक्वल, बट fx1 और fx2 दोनों सेम हो, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो 1-1 नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट अ 1-1 फंक्शन। सो नाउ ओंटो की बात करें, तब खुद ही बता दो कि कुछ भी नंबर यहाँ पे रखो, कुछ भी नंबर में फंक्शन में रखूँ, मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, एंड नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव रियल नंबर्स कहाँ जाएंगे सब, तो नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूड होने नहीं वाले हैं कोडोमेन के, देखो यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन के नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड होने नहीं वाले हैं, तो ये ओंटो फंक्शन नहीं होगा, ओंटो फंक्शन नहीं होगा, तो आपको लिखना क्या है कि चलो कोई भी एक फंक्शन उठा लो, जैसे कि -3 इज बिलोंग्स टू कोडोमेन, -3 बिलोंग्स टू आर, बट देर इज देर डज नॉट एक्सिस एनी एक्स सच दैट फंक्शन इज इक्वल टू -3, कोई भी एक ऐसा एक्स नहीं मिल रहा है डोमेन में जिसके हिसाब से फंक्शन अगर -3 आपका मिले, तो ये नहीं होगा, ये ऑन्टो भी नहीं होगा। लेट ए एंड बी सेट्स शो दैट, देखो ए और बी दो सेट है, फंक्शन सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अच्छा इस बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना है, देखो कैसे करें, पहले तो समझो फंक्शन क्या कहता है, देखो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पे, ए क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका फंक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट को मैं उल्टा कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से लिख सकता हूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपको पता है, स्टार्टिंग में समझाया था, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को उल्टा कार्टेशियन प्रोडक्ट के हिसाब से हम लिख सकते हैं, मतलब कि फंक्शन में अगर ए बी डालो तो बी ए मिल सकता है, ये आपको बता दिया गया है, तो आपको बताना है कि ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मीन्स 1-1 भी है ओंटो भी है। सबसे पहले तो ए और बी आपको कुछ सपोज करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ है नहीं तो मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट ए मैं सपोज करता हूँ 1, 2, 3 और सिमिलरली मैं बी सपोज करता हूँ 4, 5, 6, ठीक है, अब मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका क्या क्या बनेगा, सो 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4
2, 5, 2, 6 and 3, 4, 3, 5, 3, 6 ये इसका कार्टिजन प्रोडक्ट बना, किसका, ए क्रॉस बी का। सिमिलरली अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो उसका भी कार्टिजन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कि 4, 1। ये कैसे बनाते हैं, मैंने स्टार्टिंग से फर्स्ट लेक्चर सीरीज में ही समझा दिया है। 4, 1, 2, 3 फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3 देन आफ्टर 6, 1, 6, 2, 6, 3 ठीक है। चलो ये मैंने बी क्रॉस ए भी बना दिया। अब दो ऐसे सेट, ये डोमेन है, कोडोमेन है। डोमेन किसका है, ए क्रॉस बी का, कोडोमेन भी बी क्रॉस ए का है। बना देता हूं यहां पे दो फंक्शन, दो मैंने बना दिए डोमेन और कोडोमेन। डोमेन ए क्रॉस बी में से बनाना है तो मतलब ये मुझे सब लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। यस 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 4, 2, 5, 2, 6 and 3, 4, 3, 5, 3, 6 और ये है कोडोमेन, ये कोडोमेन है तो कोडोमेन के सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स मुझे यहाँ लिखने पड़ेंगे 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3 सिमिलरली 6, 1, 6, 2, 6, 3 ओके चलो अब चेक करें, अब चेक करें, चेक कैसे करें कि फंक्शन में ए बी डालो तो बी ए मिलना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि 1, 4 का मुझे 4, 1 मिलना चाहिए, मिल रहा है। 1, 5 का 5, 1 मिलना चाहिए, मिल रहा है। 1, 6 का 6, 1 मिल रहा है। 2, 4 का 4, 2 यस। 5, 2 ये रहा। 6, 2 4, 3 5, 3 और 6, 3 देखो एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन। सबकी यूनिक इमेज मिली है, सबकी यूनिक इमेज मुझे यहाँ कोडोमेन में मिली है। यूनिक इमेज मिली है तो मैं कह सकता हूँ कि ये 1, 1 है, 1, 1 फंक्शन ये बनेगा। 1, 1 फंक्शन क्यों बनेगा, क्योंकि सबकी यूनिक इमेज है। अब ऑन्टो भी बनेगा, ऑन्टो भी बनेगा। अब ऑन्टो क्यों बनेगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन के कवर हो चुके हैं। देखो सब एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं। एवरी एलिमेंट इन अ कोडोमेन इज अ इमेज ऑफ डोमेन, इज अ इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ डोमेन। तो ऑन्टो भी ये होगा। अब इंजेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, तो ये बाइजेक्टिव भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके एग्जाम्पल क्या कहता है, लेट फंक्शन एन टू एन, मतलब दो नेचुरल नंबर्स एन टू एन बी डिफाइंड बाय क्या दिया गया है, एन प्लस वन डिवाइड बाय टू अगर एन ओड होता है, एन एन बाय टू अगर एन इवन होता है। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है चलो देखें, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों नेचुरल नंबर से बने हुए हैं। बना देते हैं, दो बनाते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5 चलो मैंने बना दिया। अब मुझे इतना तो पता है कि अगर ये नंबर ऑड है तो, अगर ये नंबर ऑड है तो ये यूज़ करना है, और अगर नंबर इवन है तो ये यूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे F1 रखूँ, 1 इज़ ऑड नंबर, ऑड नंबर है तो ये फॉर्मूला में मुझे 1 डालना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1, 2 2 बाय 2, 1 मेरा आंसर 1 आएगा। F2 डालता हूँ चलो, तो 2 तो इवन नंबर है तो यहाँ डालना पड़ेगा 2 बाय 2, 1 यहीं आपकी बात ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 हुई, तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ। दिस इज मैनी वन फंक्शन, दिस नॉट अ 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन नहीं हुआ ये, 1-1 फंक्शन तो ये हुआ ही नहीं। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, आपको पता है, लेट x1 एंड x2 बी द रियल नंबर, fx1 इज इक्वल टू fx2, इन दोनों को इक्वल करना है, बट x1 इज नॉट इक्वल टू x2 देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज अ नॉट अ 1-1 फंक्शन। ओके सो नाउ ऑन्टो, अब थोड़ा ऑन्टो के बारे में बात करें, ऑन्टो फंक्शन। ओके चलो ऑन्टो में दो सिचुएशन रहेगी आपके पास, ऑन्टो में दो सिचुएशन रहेगी, एक ऑड वाली और एक इवन वाली। किस तरह से सिचुएशन ले रहा हूँ मैं, ऑड सिचुएशन, फर्स्ट मैं ऑड के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ऑड के लिए बना रहा हूँ। ऑड का मतलब क्या होता है, 2n, 2n प्लस 1, 2n प्लस को हम, 1 को हम ऑड कहते हैं, तो रख देते हैं n की जगह 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखो क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, जहाँ n दिख रहा है
वहां मैं 2n+1 लिख रहा हूँ, क्योंकि हम n इज इक्वल टू नंबर को हम ऑड सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑड सपोज कर रहे हैं। तो f 2n+1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हुआ 2n+2 हुआ, 2n+2 डिवाइड बाय 2, यस और नो, यस 2n+2 डिवाइड बाय 2, ये 2 कट हो गया, हो सकता है कि नहीं सकता है, तो हमारा आंसर आया n, हमारा आंसर आया n। इसको मैं सिचुएशन 1 दे देता हूँ, दिस इज अवर कंडीशन 1। ओके, ये ऑड के लिए इतना हुआ, अब इवन के लिए करें, अब इवन के लिए करते हैं, ये सब ऑन्टो देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है इवन किसको कहते हैं, 2n को हम इवन कहते हैं, तो जहाँ n दिखे वहाँ मैं 2n रख दूंगा, f 2n इज इक्वल टू 2n+1 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब भी n आता है, इसका मतलब भी n आता है, So, आपको इतना तो पता चल गया कि चाहे एलिमेंट ओड क्यों ना हो, ये सब कोडोमेन के एलिमेंट है, चाहे कोडोमेन के एलिमेंट ओड हो, चाहे कोडोमेन के एलिमेंट इवन हो, आपका आंसर एन ही आने वाला है। देखो आपने क्या किया, हमने ओड किया, ओड देखा, उससे भी हमारा आंसर एन आया, हमने कोडोमेन के इवन एलिमेंट्स लिए, उसका भी आंसर ए आया। तो हम कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट इन अ कोडोमेन इज इमेज ऑफ, इस इमेज ऑफ डोमेन, इस इमेज ऑफ डोमेन, मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट जो कोडोमेन के हैं वो इमेज है डोमेन के एलिमेंट्स के। तो ये ऑन्टो फंक्शन होगा, ये ऑन्टो फंक्शन होगा, ऑन्टो होगा तो ये कैसा होगा, सब्जेक्टिव होगा। ये पहला ऐसा फंक्शन देखा जो इंजेक्टिव नहीं है और सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो बाइजेक्टिव तो अल्टीमेटली नहीं होने वाला है, क्योंकि तो दोनों होते हैं तो बाइजेक्टिव होता है। सुनाओ 10th एग्जाम्पल, लेट आर, लेट ए, ए दिया हुआ है आर माइनस थ्री, मतलब सारे के सारे रियल नंबर्स 3 को छोड़ के, एंड बी इज इक्वल टू आर माइनस 1। कंसिडर द फंक्शन, फंक्शन दे दिया गया है, फंक्शन क्या है, फंक्शन सच दैट ए टू बी, फंक्शन दे दिया गया है, फंक्शन इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, ठीक है, फंक्शन दे दिया गया है, इस 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर, ये 1 है, ऑन टू है, आपके आंसर को आप जस्टिफाई करो, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे दो सेट है, ऐसे दो डोमेन और कोडोमेन है जिस स्पेशल है, स्पेशल स्पेशल मतलब कुछ अलग होता है इसमें, क्या अलग होता है, 3 नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, जैसे ही माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 नहीं होगा, 2, 3, समझ में आ रहा है, बस ये हमारे यहाँ पे सिचुएशन है। ओके चलो, सबसे पहले मैं माइनस 3 पुट करता हूँ, एफ माइनस 3 पुट करता हूँ, तो माइनस 3 से क्या होगा, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 5, एंड माइनस 3, माइनस 3, माइनस 6, तो मेरा आंसर आया 5/6, ठीक है। माइनस 2 पुट करता हूँ मैं, डोमेन के एलिमेंट्स पुट कर रहा हूँ, तो माइनस 2, माइनस 2, माइनस 4, एंड माइनस 2, ये होगा माइनस 5, तो मेरा आंसर आया 4/5। अब मैं 1 पुट करता हूँ, चलो एफ 1 पुट करता हूँ, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, एंड 1 माइनस 3 माइनस 2, तो आंसर आता है 1/2। तो इतना तो पता चल रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट की जो मुझे इमेज है वो यूनिक मिल रही है, सारे के सारे एलिमेंट की इमेज मुझे यूनिक मिल रही है, मतलब ये 1-1 फंक्शन है, तो मतलब ये 1-1 फंक्शन है। अब ये तो अंडरस्टैंडिंग है, अब उसको लिखे कैसे, अब उसको लिखे कैसे, आपको आता है कैसे लिखे, लेट x1 एंड x2 बी अ रियल नंबर, लिख सकते हैं, बट रियल नंबर कौन से रियल नंबर, जिसमें एक में 3 ना हो, एक में 1 ना हो, ठीक है। ओके सुना, रियल नंबर तो आपका क्या होना चाहिए, fx1 इज इक्वल टू fx2 होना चाहिए, होना चाहिए। ओके x1 यानी कि मुझे यहाँ x1 पुट करना है, x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, x2 मतलब यहाँ x2 पुट करेंगे, x2 माइनस 2, x2 माइनस 3, ठीक है, इतना पता चला। तो देखो इसमें से हम अलग तरीके से नहीं कर सकते, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई द टर्म्स, तो x1 माइनस 2 उससे मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस 3, और x2 माइनस 2 उससे मल्टीप्लाई होगा x1 माइनस 3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x1 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, अगेन x1 x2 माइनस 3x2
माइनस टू एक्स वन प्लस थ्री टू जा सिक्स, मल्टीप्लाई कर दिया हमने सिंपल। तो सिक्स और सिक्स तो अभी गया, एक्स वन एक्स टू भी गया। अब एक्स वन वाले और एक्स टू वाले को इकट्ठा करें, यहाँ एक्स वन है, यहाँ एक्स वन है, माइनस टू एक्स वन को यहाँ लेके आऊँगा तो प्लस टू एक्स वन हो जाएगा। या तो फिर एक काम करें, ये माइनस थ्री एक्स टू को यहाँ पे लेके आऊँ तो थ्री एक्स टू हो गया, और यहाँ पे एक्स टू वाला है, कुछ मिस्टेक किया यहाँ पे, ये टू एक्स टू होगा। ओके टू एक्स टू होगा, ये एक्स टू वाला होगा, तो माइनस टू एक्स टू इज इक्वल टू, ये माइनस थ्री एक्स वन वहाँ जाएगा तो प्लस थ्री एक्स वन हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स टू, सॉरी माइनस टू एक्स वन, ठीक है चलो। एक्स वन वालों को एक्स टू वालों को अलग से कर दिया। थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स टू क्या होता है, एक्स टू, और ये होता है एक्स वन, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा वन वन फंक्शन होगा। वैसे ही हमें पता चल गया था वन वन फंक्शन है, पर उसको थोड़ा अलग से इस तरह से आपको लिखना पड़ता है। सो नाउ ऑन्टो चेक करें, ऑन्टो चेक करें, ऑन्टो कैसे होता है, ऑन्टो चेक करने के लिए थोड़ा सोचो। इसकी जगह आपको वाई सपोज करते हो ऑन्टो चेक करने के लिए, मैं इसकी जगह वाई सपोज करता हूँ, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ये फंक्शन पूरा का पूरा आपका वाई के फॉर्म में है, अब आपको एक्स के फॉर्म में लेके आना है, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब एक्स के फॉर्म में लेके आना है ऑब्वियसली, तो क्या करेंगे, ये एक्स को यहाँ लेके आएंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई वहाँ पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से मैं एक्स को कॉमन निकालूँ तो आएगा वाई माइनस वन, तो मेरा एक्स का आंसर क्या मिला, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके अब ये एक्स की वैल्यू को फंक्शन में डालूंगा, अगर वाई मिलता है तो ये ऑन्टो है। एक्स की वैल्यू को मैं फंक्शन में डालता हूँ, फंक्शन में किस तरह से डालें, यहाँ पूरा का पूरा एक्स की जगह पर ये वैल्यू डालना पड़ेगा, इज इक्वल टू, इतना बड़े बड़े ब्रैकेट क्यों बनाए हैं, क्योंकि x की जगह पे मुझे ये पूरा डालना है, यहाँ पे क्या है 3y माइनस टू वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन, थ्री वाई माइनस टू वाई माइनस वन, तो क्या होता है, चलो 3y माइनस टू, टू इंटू वाई माइनस टू वाई प्लस टू, डिनोमिनेटर तो वैसे ही निकल जाएगा। ओके 3y माइनस टू ये माइनस थ्री वाई और प्लस थ्री, चलो इसको आगे देखें। अब थ्री वाई में से पहले तो ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल हो गया, थ्री वाई में से टू वाई जाता है तो वाई बचता है। ओके यहाँ पे माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई कैंसिल, थ्री माइनस टू या वन बचता है, हमारा आंसर हमें वाई मिल गया, हमारा आंसर हमें एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा होगा, ऑन्टो फंक्शन होगा, ये फंक्शन कौन सा होगा, ऑन्टो फंक्शन होगा। तो ये वन वन और ऑन्टो ये दोनों है, तो हम कह सकते हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। सो नाउ इलेवेंथ ऑप्शनल क्वेश्चन है, थोड़ा देखें, लेट एफ इज सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन दिया हुआ है एक्स रेस टू फोर। देखो यार, जब भी फंक्शन की पावर, जब भी फंक्शन की पावर आपकी इवन पावर होती है, इवन पावर होती है, तब क्या होता है, इवन पावर होती है उसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव साइन इंक्लूड होती ही नहीं है, नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स आपके रह चुके हैं, कोडोमेन के सारे नेगेटिव एलिमेंट्स आपके रह चुके हैं, और डोमेन के जो एलिमेंट्स हैं उन सब की यूनिक इमेज भी आपको नहीं मिलेगी। जैसे कि आप माइनस टू रेस टू फोर करो तो आपका 16 आएगा, और टू रेस टू फोर करो तो भी आपका 16 आएगा। तो ये मेनी वन फंक्शन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, ये वन वन फंक्शन तो नहीं हुआ। और ऑन्टो भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हुए, नेगेटिव एलिमेंट्स वहाँ पर रह चुके हैं, तो ये ना तो वन वन है ना तो ऑन्टो है। देखो, जब कोई भी वेरिएबल की पावर अगर इवन होती है तो ये प्रॉब्लम आपको रहने वाली है कि जब इवन पावर होती है तो वन वर और ऑन्टो वो दोनों नहीं होता है, ठीक है। तो ये वन वर और ऑन्टो दोनों नहीं होगा। नेक्स्ट ट्वेल्थ, मतलब डी आंसर आएगा ट्वेल्थ, लेट फंक्शन इज सच दैट आर टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स। देखो यार, थ्री एक्स, एक्स की पावर वन है, वन इज अ ऑड नंबर, वन इज अ ऑड नंबर, और हमें आपको पता है कि अगर इवन नंबर होता है तो आपको वन वन ऑन्टो आपका फंक्शन नहीं होता, ये आपकी प्रॉब्लम रहती है। पर अगर ऑड पावर है, ऑड पावर है तो आपके सारे के सारे एलिमेंट जो डोमेन में हैं सबकी आपको यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज आपको मिलेगी,
कोडोमेन में। सबकी आपको यूनिट इमेज मिलेगी, शायद आपको पता ना हो, शायद आप चेक कर लो। माइनस थ्री रखोगे तो क्या होगा, माइनस नाइन होगा। माइनस टू रखोगे तो थ्री टू जा माइनस सिक्स होगा। माइनस वन रखोगे तो माइनस थ्री आंसर आएगा। एवरी एलिमेंट इन अ डोमेन गेट अ यूनिक इमेज इन अ कोडोमेन। तो ये वन वन फंक्शन तो वैसे ही होने वाला है, ओके। और कोडोमेन के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। क्यों सारे के सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स में नेगेटिव साइन भी इंक्लूड हो जाएगी हमारी, और पॉजिटिव साइन भी इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि पावर ऑड है। तो यहाँ पे ये फंक्शन वन वन और ऑनटो दोनों आएगा, मतलब ये बाइजेक्टिव होगा, मतलब आंसर इज ए। सो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है, बने रहिए। नाउ अब थर्ड वीडियो सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3, उसका इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।